दोस्तों आपन समस्तंको हम चैनल क्रिएटिव स्टडी उ स्वागत तबे आजर वीडियो रहिछि आपन पर किछि रिक्वायरमेंट्स उपरे जोटा कि निश्चित नाबर सेंट्रल गवर्नमेंट पखरो आछि स्टेट गवर्नमेंट पखरो आछि आपन जिला स्तर रिक्वायरमेंट रहिछि एसएससी रिक्वायरमेंट रहिछि हम से विषय कथा हबा तो एमटीएस परे एमटीएस आपन जानछोंदी हेतिला एमटीएस रो अप्लाई चल धारा एमटीएस परवर्ती मुहूर्त रे यदि नेक्स्ट किछि वैकेंसी बाहरिछि एटा होछि आपनकर फेज एक्स एंड एटा होछि आपनकर फेज एक्स वैकेंसी ए फेज एक्स वैकेंसी कौन एटा भी बहुत जन पिला कन्फ्यूजन है मैंने ये फेज एक्स वैकेंसी आपन देखुं अप्लाई स्टार्ट होची मैंने 12 5 रु ऑलरेडी स्टार्ट हो सकती एप्लीकेशन स्टार्टेड एंड एप्लीकेशन एंड होची 13 6 रे एंड आपन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिसीव 15 6 एंड लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑनलाइन चरण 16 6 एंड आपन लास्ट डेट ऑफ एसबीआई चरण 18 6 देन आपन 24 20 6 रु आपन 24 6 मधेरे विंडोज आपन रही करेक्शन विंडोज ओपन हबो एंड अप्रोक्सीमेट आपन एग्जाम रही अगस्ट मास रे टेंटेटिव आपन जदि नोटिफिकेशन कार्ड देख परे म आपन को नोटिफिकेशन पर उठा त कहि रखु छी ए पोस्ट कोन जेमि मल्टीटास्किंग पोस्ट आसीला आपन जानले हां एटा आपन हवेलदार पोस्ट मल्टीटास्किंग पोस्ट तबे ए पोस्ट टी आपनकर कोन ए पोस्ट टी आपनकर 10th लेवल रो 10th बी लेवल रो पोस्ट अछि 12th रो भी पोस्ट अछि ग्रेजुएशन लेवल रो पोस्ट अछि एंड आपनकर विभिन्न प्रोफेशनल लेवल रो पोस्ट अछि प्रोफेशनल जें आपन नर्स कोन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पोस्ट अछि एंड एथिरे आपनकर ग्रुप सी पोस्ट इंक्लूड अछि बी पोस्ट इंक्लूड अछि ए सब पोस्ट इंक्लूड हे के अछि आपनकर माने बोलिया मिसा पोस्ट अछि कहना ए ए पोस्ट को कोन कह जाए सब डिपार्टमेंट गोटे गोटे दुटी दुटी जो पोस्ट थाए ताको कंक्लूजन कर ऐड करके वैकेंसी बाहर कर जाए ठीक अछि हम देखियो वर्तमान ए वैकेंसी अपन पर कोन केमति अछि डिटेल्स देखि नबा देखले अपन जानि परिबे तो देखन तो फर्स्ट हम देखबे नोटिफिकेशन पोस्ट डिटेल्स में अपन देखेबी नोटिफिकेशन अपन देखि नियंतु नोटिफिकेशन अधिक किछ नै केवल से एग्जाम डेट ही गुटे नया इंस ऐड करा है छौ एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपन को स्पेसिफाई कर देखे पड़बे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एथिरे पर्टिकुलर किछ मेंशन नथाय ओके कना एटा माने सब मिला मिसा है पोस्ट थाय नियंतु 12 5 रे 12 5 रही छी अपनकर माने पोस्ट डिटेल्स रही छी 12 5 आपण पोस्ट डिटेल्स आसी छी एंड अगस्ट आपण देखछु अगस्ट रे ही एग्जाम अछार अगस्ट रे आपण एग्जाम देखि पाइबे एटा रहि छी अगस्ट मास रे एग्जाम तो आपण निश्चित प्रिपेरेशन वर्तमान उठो करू छंती तार निश्चित भाबे करंतु कना एग्जाम आपण अगस्ट मास रे रहि छी आउ आपण डिटेल्स सेठी अध्यक्ष देखि पाइबे नि 100 टका आपण को फी लागिबो अप्लाई करिया पई आपण अप्लाई करबे एंड डिटेल्स जहाँ आपण अच्छी माने माने एज वेल सेम अच्छी केवल आपण देखने एग्जाम पैटर्न देखने एंड एज आपन को 18 वर्ष रु 25 वर्ष भी देखा मिल 18 वर्ष रु 30 वर्ष देखा मिल 18 वर्ष 27 वर्ष देखा मिल कहीं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पोस्ट अच्छी ओके तो तेणु आप देखो हाव बीटेक डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग अवार्ड बाय इग्नो फॉर टू द स्टूडेंट्स हु एनरोल द एकेडमिक 2009-10 शाल बी ट्रीटेड एज वैलिड तो इग्नोर भी आगे डिप्लोमा डिग्री चलता ताको वैलिड करा जो 2009 करछन्ते एडमिशन ओके तो ये सब आपण डिटेल्स कहीदेला एवं ता सहित आप देखते एग्जाम सेंटर मेनली आपर रिजन जाना दरकार कौ रिजन आप्लाय करके तो से रिजन आपत पोस्ट अच्छे एंड एग्जाम डिटेल्स आप देख नि पोस्ट डिटेल्स जी एग्जाम समस्त सामान हम जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क आपर मैक्सिमम मार्क्स आप 25टा क्वेश्चन 50 मार्क जनरल अवेयरनेस 25टा क्वेश्चन 50 मार्क क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25टा क्वेश्चन 50 मार्क एंड इंग्लिश लैंग्वेज रही 25टा क्वेश्चन 50 मार्क तो यही भाव में एग्जाम हम 60 मिनिट समय मिल आपको 80 मिनिट मिल जो मैंने स्क्राइब ने मैंने डिजर्वड कैंडिडेट जो मैंने ओके एंड आपर आप नेगेटिव मार्क भी रही है देखुंत 0.5 मार्क मैंने दुईट क्वेश्चन मिले गोटे मार्क कटिजी एंड तापर गोटे स्किल टेस्ट निजी कंप्यूटर स्किल टेस्ट निजी मेट्रिकुलेशन लेवल जनरल आपर सिलेबसटा तो रही है मेट्रिकुलेशन लेवल परवर्त मुहूर्त ये आप क्वाफाए कर आपर 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल रोकर डिपेंड्स अपन आप पोस्ट में अप्लाई करते ओके से अनुसार रोक एंड आप देखो परवर्त मुहूर्त में आपको गोटे कंप्यूटर स्किल टेस्ट निजी डिटेल्स से विषय कहुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्यूटर स्किल टेस्ट निगला ओके तो वर्तमान आम देखा जे पोस्ट डिटेल्स आप पोस्ट में अप्लाई करेंगे एंड ये पोस्ट केमती आप आइडेंटिफाई करेंगे
पोस्ट डिटेल्स को जानतु पोस्ट डिटेल्स को गला पर आपन देखंतु आपन आगरे आपन कर एवरी इंटरफेस आ जइबो जोटी कि आपन मगा जइबो जे आपन कोन हम ओडिसा टा ईस्टर्न रीजन जाउची आपन डिफरेंट रीजन अप्लाई करबे बिच असुविधा नै एंड एग्जामिनेशन आपन दो जाउछंती फेज एक्स रो 2022 रो जो पोस्ट आसी तो सेठी सर्च करनेबे सर्च कला पर आपन सामने देखंतु आसी गला मल्टीटास्किंग स्टाफ आसीला मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉर्मली आपन कोन जानचंती ना एडा होची 10th लेवल मल्टीटास्किंग स्टाफ सबले 10th लेवल ए डिटेल्स आपण देखे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करिवे ओके एंड आपणकर 18 25 वर्ष बय पय 18 25 अछि 27 18 30 सिटी अछि बयस सीमा कोन ना आपणकर पर्सनल असिस्टेंट ओके एटा पर्सनल असिस्टेंट आपण भी अप्लाई करि परिबे एंड बाइंडर एटा प्रोफेशनल कोर्स आसला एटा भी आपणकर माने व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर आपण देखि परिबे तो डिटेल्स सब जक आपणकर अछि लाइब्रेरी ब्लॉक टू आरंभ करि आपणकर डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट पर्यंत सब किछि अछि एंड आपणकर 18 27 18 25 18 30 बॉयस टाइम डिफरेंट अछि तो आपण निजे देखि परिबे क्लिक करिकि देखंतु मु आपण गोटे देखै दउछि प्रति पोस्ट डिटेल्स क्लिक करे आपण जानि परे मल्टीटास्किंग स्टाफ अछि मैट्रिकुलेशन एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ अमाउंट जो अछि आपण देख पाउछोंदी आपणकर वैकेंसी अछि यूआर रे गोटे वैकेंसी एंड ओबीसी आपणकर 0 एक्सरसाइज माने सो आपण वैकेंसी रहला यूआर दुइट वैकेंसी रहला ओबीसी गोटे ठीक अछि एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट रहिछि एंड एटा आपण 10th लेवल ही एग्जाम करा जे डिटेल सेट मेंशन अछि तो से भाव आपण डिफरेंट कैटेगरी भी देखिपारे ओके कहीं आपन को सेमती रेस्ट्रिक्शन ना जी आप गोटे यही पोस्ट में अप्लाई करेंगे बोली ओके तो निश्चित भाव में यहाँ आप क्लीयर हो गले आपत जानवे एंड ए सब पोस्ट अच्छी अप्लाय कला बेले आपको मागो आप पोस्ट में अप्लाय कर ग्रुप बी ग्रुप सी आपणकर मानने बाइंडर मानने कारपेटर कौन भी अप्लाय कर डिटेल्स आप्लाय करेंगे तो नेक्स्ट रिक्रुटमेंट देखना बर्तमान यहाँ आप एसएससी वेबसाइट आसी चेक कर नहीं पारे ठीक अच्छे ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ କେନ୍ଦୁଝର ପକ୍ଷରୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓଏଭି ରହିଛି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କାହିଁକିନା ଓଏଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଙ୍କସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଓଏଭି ଅଛି 63 ଓଏଭି ତ ସେଥିରେ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଜୁଆଲ୍ ହେଇନି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ 1 ଇୟର୍ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ପିଜିଟି ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ବାୟୋଲୋଜି ପିଜିଟି ମ୍ୟାଥ୍ ପିଜିଟି ଇଂଲିଶ ପିଜିଟି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଟିଜିଟିରେ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ତ ଭରପୁର ରହିଛି ତା ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ 15 ଡେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 6/5 ରହିଛି ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏଣ୍ଡ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଏଭିଏସ୍ର ରୁଲ୍ସ ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ 2 ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ TGT ଆପ୍ଲାଏ କରାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର 200 ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ TGT ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ TGT ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଫିଜିକ୍ସ 200 ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର TGT SST ଆଇଦର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆନଦର ସବଜେକ୍ଟ ଜିଓଗ୍ରାଫି ୟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଚଳିବ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚଳିବ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର kinchor.nic.in ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା ତ କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଗରୁ କନ୍ଧମାଳ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି PGT ରହିଛି ଆଣ୍ଡ TGT ରହିଛି SST 4 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଟୋଟାଲ 35 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 31/5/2022 ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ kanhamal.nic.in ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଆଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଲିମିଟ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ପୁରା ହାଇଲାଇଟେଡ଼୍ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଏଭି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଆଉ ଦେନ୍ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବହୁତ ସାଲାରୀ ଅଧିକ ମିଳେ ସେ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ କନ୍ଧମାଳ ବି ହାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି 1 ଇୟର୍ ଟର୍ମରେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେ ଯେ 1 ମନ୍ଥ ବା 2 ମନ୍ଥ ପରେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ଓଏଭି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା
नेक्स्ट रही ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बरगड पक्ष आप देखते वैकेंसी रही 9 एंड एसटी 2 एससी गोटे वुमेन रिजर्वेशन गोटे अच्छी वार 6 टोटल 9 वैकेंसी रही आपर जूनियर क्लर्क कम अकाउंटेंट वैकेंसी एंड आपर एडवर्टाइजमेंट जहाँ पब्लीश होती आप बर्तमान अप्लाई करा चाहूँ अप्लाई करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड विथ कंप्यूटर टैली और एम एस ऑफिस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट क्रिएशन एंड ईमेल ऑपरेशन ये सब आप जानवा दरकार देन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एप्लीकेशन फी रही 200 टाँह आप आईपीओ दे पारे करके अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म बरगड़ आपर मानते डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बरगड़ आड्रेस आप देख पार्टी तो अर्थात आपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट पक्षर आप रिक्रुटमेंट रही तो आपको जो रिक्रुटमेंट मिले से डीओ ऑफिस मिल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जानने देन आपको मार्क बेसिस सिलेक्शन करा जिबो 10th आपनकर 12th एंड बैचलर डिग्री मार्क को केमती हिसाब करा जिबो जदी आपनकर माने सपोज 10th रे 67% अछि तले 6.7 12th रे आपन 62% अछि देन आपनकर 6.2 एंड एचएस रे जदी आपन 70% अछि आपनकर एटा ग्रेजुएशन ऊपर कला तन 7.0 सबतरु माने डेसिमल नंबर गोटे आपनकर ऐड करके आपनको हिसाब कर दे जिबो एंड आपनकर परसेंट बाहर जिबो से हिसाब रे आपनको सिलेक्शन करा जिबो मेरिट बेसिस रे तो नेक्स्ट आपर 1:3 रेसीओ वैकेंसी आपको डक वेरिफिकेशन को एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर देखिपे आप्लिकेसन अफिस पहुँचा दरकार 15/5 पूर्व तेणु ये आप डेट अवश्य एक्सटेंड हो जो मैंने बर्तमान पाखे अच्छा बर्तमान फर्म पकई पारे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट रही आप इंडिया पोस्ट बैंक पक्ष रिक्रुटमेंट आप देख पाँच इंडिया पोस्ट बैंक पक्ष जो मैंने चाहूँ बैंकिंग सेक्टर जॉब करने आवेदन करेंगे आ 5 दिन डेट रहा 10/5 रहा 20/5 पर्यंत 5 दिन डेट रही अर्थात आपर ग्रामीण डाक सेवक अनफिल्ड पोस्ट जोटा आप फिलअप करा चाहूँ फिलअप करेंगे डिटेल सारा कही आपको एंड निश्चित भाव में आउ थे आपको रिमाइंड करदे चाहिए एंड आप देखिए डिटेल्स आपको मेनसन अच्छी कौ कौ ठीक है पोस्ट वैकेंट अच्छी आप देख पार्टी आपर सर्कल वाइज आप पोस्ट आपर वैकेंट अच्छी जोटा आप इंडिया पोस्ट रे बाहर था से नुहे ये अलग आप बैंकिंग सेक्टर पोस्ट रही है इंडिया पोस्ट बाहर था ग्रामीण डाक सेवक 3200 तो ये आपंकर रही बैंकिंग सेक्टर रही पोस्ट 3650 रही पोस्ट एंड दि नर्थ ईस्ट देखिए आप 15 पोस्ट रही टोटाल ओडिशा आज आप देखिए 20 पोस्ट रही आप आवेदन करेंगे एंड आवेदन करने आपको इंडिया बैंक वेबसाइट को आसा पड़ो एंड से आवेदन करेंगे एंड आपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस थ्री रिक्वेड अर्थात ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर आप पड़ो आप मैंने निज समस्त मैंने राज्य में ही पड़ो ओडिशा ही पड़ो भुवनेश्वर कटक ही पड़ो एंड आपर एक क्वेश्चन देखो 120 क्वेश्चन 120 मार्क एंड डिटेल्स मेनसन अच्छी कौ कौ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आसो नेगेटिव मार्क आपर कौन नेगेटिव मार्क ना यहाँ गोटे प्लस पॉइंट आपको कौन नेगेटिव मार्क ना एग्जाम एंड मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज रही आपर 40 मार्क ओके एंड 90 मिनिट समय दिजाव आपको अप्लाई एंड कौन हार्ड कॉपी सेंड करा दरकार ना वेटिंग लिस्ट भी आप रही वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करेंगे से आपर पैन पासपोर्ट आधार जहाँ आप एग्जाम को नहीं आई थे से प्रोड्यूस करेंगे डिटेल्स मेनसन अच्छे आप देखते देन आप्लाई करा चाहूँ एवं ही अप्लाई करूँ वेबसाइट आपर ये पीडीएफ अच्छी पीडीएफ मुझे चेस्टा करी टेलीग्राम ग्रुप अवेल करेंगे ना आप वेबसाइट डायरेक्ट पाइपारे वेबसाइट आपने देखो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट आईपीबी तो www.iwpbonline.com ओके तो ये रही आप वेबसाइट ये अप्लाई करेंगे नेक्स्ट डेट नंबर तेरे ओडिशा थे एग्जाम सेंटर देखी निर्तु बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक ढेंकाना राउरकेला संबलपुर ये सब ओडिशा एग्जाम सेंटर रहा तो ये आप चूज करेंगे नेक्स्ट रही इंडियन आर्मी रिक्रुटमेंट लास्ट रिक्रुटमेंट रही अपडेट आम तो आप देख पाँच ये आपर जो मैंने टेक्निकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अच्छा अर्थात बीटेक करें पोस्ट रही बीटेक बीई करेंगे तो आप देख पाँच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया सिटीजन ये सब नॉर्मल क्राइटेरिया आपर 20-27 वर्ष बयस सीमा होता दरकार एंड आपर एजुकेशन क्वालिफाइंग आपीओ फर एग्जामिनेशन आपर इंजीनियरिंग डिग्री रिक्वायर्ड ओके तो इंजीनियरिंग डिग्री रिक्वायर्ड आपर से आपको 1 January 2023 सुधा आपर इंजीनियरिंग डिग्री आप सर्टिफिकेट प्रड्यूस होता दरकार 12th वीक आपर ट्रेनिंग आपर इंडियन मिलिट्री एकेडमी रे आप देख पाँच से आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अच्छा देन आप अप्लाई करूँ निश्चित भाव में आप देखते सिविल इंजीनियरिंग भी पोस्ट अच्छी 9 पोस्ट अच्छी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये सब विभिन्न पोस्ट अच्छी एंड आपर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग पोस्ट
ଅଛି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ 5-6 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 3 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏମ୍ଏସ୍ସି ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ 8 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ 3 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 3 ପୋଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏଗ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ 40 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣ କରାଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ପେ, ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ, ଏଇଟା ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣ 10, 11, 16 ଏସବୁରେ ପେ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି .nic ରୁଟିନ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ, ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଧା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ତ ଚିଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଇମେଲ୍ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍କୁ ଧରାଯିବ। ଏଣ୍ଡ କଟ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟ ଧରାଗଲା ପରେ ମାନେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟ ଧରାଯିବ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ ରହିବ 11 ଠାରୁ ଓପନ୍ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନ୍ ରହିବ, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ତ ଏଇ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ଆମେ ଆପଣ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୂଆ ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।